नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2010 का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जेंट ऑयल एंड गैस कंपनी गैसप्रोम बिलोंग्स टू, ये एक काफ़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जो बिलोंग करती है रशिया। क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ इंडिया डू यू फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोनों में से कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, इन रिसेंट टाइम स्पिरुलिना इज बीइंग पॉपुलराइज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, इट इज एन, तो स्पिरुलिना एक प्रकार का एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 4th, किस स्टेट के अंदर त्वांग मोनेस्ट्री पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 5th क्वेश्चन की, यदि आप ट्रैवल कर रहे हो कार से भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम, तो किस हाईवे को, किस हाईवे से होकर गुजर के जाओगे, तो आप गुजर के जाओगे नेशनल हाईवे नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट इन द विनेगर दैट यू यूज इन योर डाइट, तो एसिटिक एसिड मेनली इंटीग्रेटेड होता है विनेगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम बारिश करवाने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th, इन द कंटेंस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दोहा राउंड मेंशन फ्रिक्वेंटली इन न्यूज, कौन सा दोहा राउंड, तो जो दोहा राउंड था वो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड था, वो 2010 में काफ़ी चर्चा में था, उस टाइम जो उसकी थीम थी वो ग्लोबल ट्रेड थी, यहाँ पे सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9th, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, और प्रोटोजोआ से होने वाले अन्य रोग हैं जैसे काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस और एमोबिक डेंसिट्री, ये डिजीज भी प्रोटोजोआ द्वारा ही फैलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एलिमेंट है कैल्शियम, यहाँ पे राइट आंसर है, मिस्टेक आई, कैल्शियम इज रिक्वायरमेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज चंबल रिवर मर्ज, तो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल मिल जाती है आखिर में यमुना से, तो ये यमुना की एक मुख्य सहायक नदी है। यमुना की और सहायक नदियों की बात करें तो जैसे कि बेतवा, केन और सिंधी और अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो यहाँ 12th का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस द लीस्ट एनुअल रेनफॉल ऑफ रेन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनमें से सबसे कम मतलब तापमान होता है, ये एरिया देखे हैं जैसे आर्टिकल सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, तो इक्वेटर में तो सबसे ज़्यादा मतलब सूरज टेम्परेचर रेंज होती है, और फिर जैसे जैसे ये पोल की तरफ, जो पोल की तरफ जो रीजन होगा वही सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा ए, अच्छा लीस्ट रेंज ऑफ मतलब डेविएशन कितना कितना फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, तो इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा समान सा ही रहता है और वो हाई रहता है, तो यहाँ पे डी जो आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज नाग, नाग क्या है, तो नाग एक प्रकार की एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 15, द फेमस कपल जलबाला वैद्या और गोपाल शर्मन आर वेल नोन एसोसिएटेड विद, तो ये अच्छे कलाकार हैं, थिएटर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू UNDO जिसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO's इंटरनेशनल ईयरबुक ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स 2010 आउट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन द टू डेवलपिंग कंट्रीज नेम्ड इंडिया एंड ब्राजील रैंक, तो इस 2010 स्टैटिक्स के अंदर इंडिया और ब्राजील की रैंक थी 9th और 10th, तो डी यहाँ पे सही आंसर है। 17वें क्वेश्चन में, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग इंडिया आइडियाज़ फॉर द न्यू सेंचुरी, ये लिखा है नंदन नीलकानी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, F-16 फाइटर प्लेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो F-16 फाइटर प्लेन है ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं लॉकहेड मार्टिन एरोनॉटिक्स कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मोर एडवांस देन अदर थ्री, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा
एडवांस है, तो इनमें सबसे ज़्यादा मतलब समझदार की बात करें क्रोकोडाइल शार्क और वेल में, तो डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल शार्क और टर्टल्स में, तो बी इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल डेट लाइन इनमें से किस में से पास होती है, तो इंटरनेशनल डेट बाइस पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, तो बेरिंग स्ट्रेट से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, और जो बेरिंग स्ट्रेट है वो एक रीजन है जो लाई करता है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया में और अल्कासा के बीच में, और जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। और इंटरनेशनल डेट लाइन एक जिगजैग लाइन होती है जिसको अपन, वो पास होती है इस बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21, अनूप श्रीधर इज वेल नोन फॉर, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प इंटू एरोटा, तो ये थ्रू किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन सोमाट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वो किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस कॉर्टिकोट्रोफिन्स, थायरोट्रोफिन्स, ल्यूट्रोफिन्स एंड प्रोलैक्टिन और ऑक्टोसिन। क्वेश्चन नंबर 24, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन, तो इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ये हिल्स के नाम दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं, ये बताना इनमें से कौन सा सही है। तो आ जाओ, तो ये तीनों ही सही हैं। गिरनार हिल गुजरात के अंदर ही होता है, नल्ला मलाई हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, और शिवरोई हिल तमिलनाडु के अंदर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, तो नंदा देवी पीक है जो ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। कंचनजंगा की बात करें तो और इम्पोर्टेंट पीक की बात है जैसे कंचनजंगा सिक्किम में है, और माउंट केटू है गोडविन एस्टिन, नाग पर्वत ये सारे के सारे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डस अन्ना इवनोविक एक्चुअली बिलोंग्स, अन्ना इवनोविक बिलोंग्स करते हैं साइबेरिया से। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान, इनमें से कौन सा एक मेंबर नहीं है एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, तो वो नहीं है, साउथ कोरिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। 28th क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट वन में दे रखे विटामिन और उनकी डिफिशियंसी डिजीजेस, तो ये बताना है कि कौन से पेड़ विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, और ऐसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जो विटामिन B1 है उसकी वजह से अपने को हो जाता है बेरी बेरी, और विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी की वजह से हो जाता है हमें रिकेट्स, और विटामिन सी की वजह स्कर्वी भी हो जाता है, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है कोड वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी सागर रिजर्व इज ऑन द रिवर, तो गांधी सागर रिजर्व है किस नदी पे है, तो जो सही आंसर है वो है चंबल, जो कि गुजरात और राजस्थान से होके बहती है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होके बहती है, वो गांधी सागर डैम चंबल नदी के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, किस के रिकमेंडेशन से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन से। क्वेश्चन नंबर 32, पॉल क्रुगमैन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, तो पॉल क्रुगमैन को दिया गया था इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस पाल्मे डी और गोल्डन पाम इज अवार्डेड टू द बेस्ट, ये दिया जाता है बेस्ट फिल्म डायरेक्टर को, फेमस पाल्मे डी और या गोल्डन पाम बोल लो। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लॉयन टेल मैक्यू, मैकॉय, तो लॉयन टेल मैकॉय का नेचुरल हैबिटेट है वो है नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज वेल नोन फॉर द एनुअल मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टिल, तो ये ओलिव रिडले टर्टिल के लिए वेल नोन जो नेस्टिंग प्लेस है वो उड़ीसा के अंदर ही है, और वो प्लेस है गहरी मथा। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिगमेंट, इनमें से कौन सा पिगमेंट है, तो वो है मेलानिन इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विद, तो अजलन शाह जो कप है वो एसोसिएटेड है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित शिव कुमार शर्मा इज वेल नोन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ, इज वेल नोन फॉर संतूर प्लेयर, अच्छे संतूर वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
प्लेयर्स दे रखे हैं, उनके मैचिंग दे रखे हैं, तो ये बताना है कौन कौन से मैच करेक्ट हैं। तो यहाँ पे लियोनी मेसी फुटबॉल खेलते हैं, नमिता बहादुर बॉक्सिंग, ये दो ही करेक्ट मैच हैं, बाकी थर्ड इज नॉट द करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। 41, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र। 42, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन फॉर इंडियन वेलफेयर। तो ये ऑप्शन हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ए न्यू ग्रुप ऑफ कंट्रीज कॉल्ड बेसिक इज फ्रिक्वेंटली मैंशन इन द न्यूज, विच इज नॉट वन ऑफ दैम। तो बेसिक्स का मेंबर कौन नहीं है इनमें से, तो अर्जेंटीना इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर करें पेयर प्लेसेस दे रखे हैं, उनके स्टेट दे रखे हैं, तो कौन कौन से मैच करेक्ट हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बकोरो बिहार में नहीं है ये जो मैच है वो गलत है, और फिर जमशेदपुर झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, राउरकेला उड़ीसा में ही है। तो बकेरो है वो है झारखंड में, बिहार में नहीं है ये रॉन्ग है, तो बकेरो इज इन झारखंड, और बाकी जमशेदपुर कोरबा और राउरकेला ये सारे सही दे रखे हैं, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, मिल्क माइक पांडे इज वेल नोन एज ए कन्वर्सेशनिस्ट एंड फिल्म मेकर। क्वेश्चन नंबर 46, ये तो पेयर दे रखे हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज और किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो इसमें बात करें तो इसके करेक्ट पेयर की कि यहाँ पे सिर्फ जुबिन मेहता एक म्यूजिशियन है, बाकी सारे रॉन्ग पेयर मैंशन है, ए इज द ओनली द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ कैपलर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय नासा। तो इनमें से क्या पर्पज है कैपलर स्पेस क्राफ्ट का जिसको लॉन्च किया था नासा ने, तो इसका मकसद था टू सर्च फॉर अर्थ साइज प्लैनेट मूविंग अराउंड अदर स्टार, कि पृथ्वी के आकार के दूसरे प्लैनेट को सर्च करना जो तारों दूसरे जैसे सन के जैसे दूसरे जो तारे हैं उनके चारों चक्कर लगाते हैं। 48, द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट कंजेस्ट होती है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो एक ए इज द राइट आंसर, इंडियन पार्लियामेंट कंजेस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 49, द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ शार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट, तो शार्क का जो मुख्यालय है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कनेक्टिविटी उसका काठमांडू में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 50, विच कंट्री हैड हेल्प इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशियंसी इन फूड। तो ये डेवलप किया था यूएसए ने हेल्प की थी अपने ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द लीडर ऑफ सोसाइटी पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट। तो रेड शर्ट सोसाइटी के लीडर हैं खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज वेल नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉफी। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉफी के लिए वेल नोन है चिकमगलुरु। 53, इफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो जो कैबिनेट सचिव होता है वो किसके अंदर आता है, वो अंडर में आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोक, तो चक्र के अंदर कितने डंडियाँ होती हैं, तो 24 डंडियाँ होती हैं अशोक चक्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55, हु सर्व्ड एज फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के लिए फर्स्ट एम्बेसडर थे वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च इको मार्क स्कीम फॉर लेबलिंग द कस्टमर प्रोडक्ट। इको मार्क स्कीम किसने लॉन्च की थी सबसे पहले, ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। 57, क्वेश्चन, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, तो इनमें से इंडिया किसका मेंबर नहीं है, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एपीसी की फुलफॉर्म, इसकी फुलफॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन और एंटार्टिका ट्रीटी और कोलंबो प्लान, तो इनमें से इंडिया जो मेंबर नहीं है वो अपैक का मेंबर नहीं है, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एशिया
Pacific Economic Cooperation. Question number 58. At the end of the year 2009, with which one of the following did India sign a nuclear agreement? 2009 के अंदर में इंडिया ने किसके साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का साइन किया था? ये क्या था? रशिया के साथ. Question number 60. For his leadership in which one of the following movement was Vallabh Bhai Patel bestowed the title Sardar? तो किस मूवमेंट में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? वो था बरदोली सत्याग्रह. तो ए यहाँ पे राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 60. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज ए टिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये एक सिद्धांत है मार्क्सिज्म का. तो ये सारे क्वेश्चन थे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2010 के जनरल नॉलेज सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन को. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड do subscribe to this channel. Thank you. Thank you very much.